नमस्कार दोस्तों, टेक माइंड इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, व्हाट्सएप पर हमारे कई सारे ग्रुप होते हैं और उन ग्रुप में एडमिन ओनली इस प्रकार से किसी ग्रुप की अगर सेटिंग होती है तो वहाँ पे उस ग्रुप में हम मैसेज नहीं कर सकते, तो सिर्फ एडमिन ही उसमें मैसेज करता कर सकता है और हम उस ग्रुप के एडमिन नहीं होते। तो उस ग्रुप में हम कैसे मैसेज कर सके, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी खास होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ये ट्रिक अगर आप करना चाहते हो, तो अगर इस कहीं पर भी एक स्टेप भी अगर आप मिस कर जाते हो, तो आप इस प्रकार से जैसे वीडियो में दिखाया गया है उस प्रकार से आप नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक माइंड। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उस पर टैप कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी एनेबल करने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आपको ओनली एडमिन इस प्रकार के ग्रुप की सेटिंग होने के बावजूद भी उसमें मैसेज करना है, खुद का मैसेज करना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत होगी या फिर डेस्कटॉप की। आपको क्रोम ब्राउज़र जो है उसको आपको खोल लेना है, और क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे यानी कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे मैं क्रोम यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने क्रोम बताया। तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट आपको टाइप करना है, ठीक है? तो यहाँ पे wawebpro.com इस प्रकार से एक वेबसाइट को आपको खोल लेना है। तो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, और जैसे हमारा व्हाट्सअप वेब होता है उसी प्रकार से ही ये व्हाट्सअप है। यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग जो है वो अलग होती है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे खाली एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से एक क्यूआर कोड आपको दिख जाएगा, आपको अपना जो व्हाट्सअप है, ठीक है, वो खोल लेना है। और यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रहे हैं व्हाट्सअप पे, उस वहाँ से आप व्हाट्सअप वेब जो है इसको आपको स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं स्कैन कर रहा हूँ, तो स्कैन करने के बाद हमारा व्हाट्सअप जो है जैसे नॉर्मल व्हाट्सअप चलता है हमारे ब्राउज़र में, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका व्हाट्सअप जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एडमिन ओनली इस प्रकार से एक ग्रुप मैंने बनाया है, ठीक है? ये टेस्ट ग्रुप है, ओके? और यहाँ पे खाली आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ एडमिन्स ही यहाँ पे मैसेज कर सकता है, यानी मैं यहाँ पे मैसेज नहीं कर सकता। तो मुझे इस ग्रुप में मैसेज करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ? तो आपको क्या करना है, एडमिन ओनली इस ग्रुप पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे जो थ्री डॉट दिख रहे हैं ना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट ग्रुप, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप डुप्लीकेट ग्रुप पर क्लिक करोगे, तो इस प्रकार से इसका यूज़र इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई मेंबर इस ग्रुप में नहीं चाहिए, तो इस प्रकार से आप यहाँ से उस ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर उस ग्रुप का आप एडमिन जो है उसको अगर निकाल दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इस ग्रुप का एडमिन निकाल देता हूँ। अगर आप नहीं निकालते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आपको यहाँ से सिर्फ इसी प्रकार से कर लेना है, और यहाँ पे नीचे जो आपको एरो दिख रहा है इस एरो पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रुप का नाम पूछेगा, तो यहाँ पे मैं एडमिन्स ओनली इसी प्रकार से नाम जो है उसी ग्रुप का मैं दे देता हूँ। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है, ठीक है? एडमिन्स ओनली, और यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिंग ग्रुप जो है दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, और उसी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं सभी के सभी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? अब इस ग्रुप में हम कोई भी मैसेज जो है वो यहाँ पे हम भेज सकते हैं। जैसे हम एडमिन्स ओनली इस ग्रुप पे हम मैसेज नहीं भेज रहे थे, ठीक है, इस ग्रुप पर। और जैसे हमने अभी मैसेज जो है मैं आपको यहाँ पे भेज कर दिखाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे ये जो एडमिन्स है इस पर हम मैसेज नहीं भेज रहे थे, लेकिन इसका हमने डुप्लीकेट ग्रुप बना लिया है, मेंबर वही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम कोई भी मैसेज जो है इस प्रकार से आप भेज सकते हैं, ठीक है? मैंने एक हाई इस प्रकार से एक मैसेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे भेज दिया है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप आपको अगर ओनली एडमिन इस प्रकार से सेटिंग है तो क्या करना है, ये जो डब्ल्यू ए वेब प्रो जो वेबसाइट है इसको खोल लेना है। उसके उसके बाद जिस ग्रुप में आपको मैसेज भेजना है उस ग्रुप का डुप्लीकेट ग्रुप आपको बना लेना है। और डुप्लीकेट ग्रुप बनने के बाद आप क्या करोगे कि उस ग्रुप में आप जो है खुद मैसेज वहां पे आप जो चाहिए आपकी मर्जी आप इस प्रकार से मैसेज भेज सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से ओनली एडमिन सेटिंग होने के बावजूद भी आप ग्रुप में मैसेज जो है वो अपना सेंड कर सकते हो।